जय श्री राम इस नारे को बदनाम करने के लिए साजिशें होती रहती हैं और कई बार कुछ लोग जो इस नारे का मतलब नहीं समझते इस नारे को बदनाम करने निकलने पड़ते हैं। आज गार्गी कॉलेज में फेस्ट हो रहा था और उस फेस्ट के दौरान आरोप लगाया है वहाँ की छात्राओं ने कि कुछ बाहर के लोग जो पूरी तरह से नशे में थे जय श्री राम चिल्लाते हुए कॉलेज के अंदर आए और उन्होंने छात्राओं के साथ छेड़खानी की। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आई और वीडियो सामने आने का इंतजार है, लेकिन जिस तरह का दावा किया जा रहा है वो अपने आप में काफी चिंता देने वाला है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नारे को बदनाम कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर कॉलेज में घुस रहे हैं और फिर छात्राओं के साथ इस तरह की भद्दी हरकतें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसा आज तक किसी कॉलेज में नहीं हुआ कि बाहर के लोग यूं ही धड़ल्ले से आ जाएं कॉलेज के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग थे, हालांकि बीजेपी के लोग थे या नहीं थे ये बात नहीं पता, क्योंकि जय श्री राम पर कोई बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है कि किसी ने जय श्री राम जिला दिया वो बीजेपी का हो गया। बहुत से लोग हैं उनके दिल में जय श्री राम है लेकिन वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते, वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो जय श्री राम को मानते भी नहीं, भगवान राम में उनकी आस्था भी नहीं है, लेकिन जय श्री राम इस नारे को बदनाम करने के लिए मौका मिलने पर जय श्री राम चैंट करने से नहीं चूकते और इस तरह के क्राइम करते हुए जय श्री राम चैंट कर देते हैं ताकि जो लोगों का ध्यान है इस तरफ जाए कि जो इस नारे को बोलता है वो क्रिमिनल होता है। जाहिर सी बात है कुछ लोग हैं जो इस नारे को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और खुद हिंदू धर्म में से ही हैं और हिंदू धर्म में से बहुत से लोग हैं इस नारे का मतलब नहीं पता, किसी को लिंच करेंगे तो जय श्री राम बोलेंगे, किसी की मार पिटाई करेंगे तो जय श्री राम बोलेंगे और इस तरह की हरकत करते हुए भी जय श्री राम बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस घटना में 1% भी सच्चाई है, 1% भी ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी विपक्ष नहीं जाना चाहिए और इनको इनके किए की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग धर्म के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं और कानून व्यवस्था के दुश्मन हैं और इस तरह के लोग यूं ही खुले में नहीं घूम रहे होने चाहिए और इनको अगर कहीं होना चाहिए तो वो है सलाह के, वही इनकी असली जगह है और ये उसी के पीछे होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।